यूक्रेन ने अमेरिकी सैन्य हथियारों की बदौलत रूस को लंबे समय तक खुद पर हावी होने से रोके रखा और रूस पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले किए। हालांकि अब जब यूक्रेन को पश्चिमी और नेटो सहयोगियों से मदद नहीं मिल पा रही है, तब मौके का फायदा उठाते हुए रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। रूस अपने हमलों में चुन चुन कर उन अमेरिकी हथियारों को निशाना बना रहा है जो अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध के लिए दिए थे। हाल ही में रूस के डोनबास में यूक्रेनी मल्टीपल रॉकेट हिमार्स को नष्ट करने की खबरें सामने आई थी। इस हमले की स्पष्ट फुटेज भी सामने आई थी। रूस ने जिस हिमार्स रॉकेट को निशाना बनाया उसे रूस के टॉर्नेडो एस के टक्कर का माना जाता है। अब रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी सेना ने रूस के डोनबास में अमेरिका द्वारा यूक्रेन को भेजे गए एक और M1 अब्राम्स टैंक को नष्ट कर दिया है। हाल के दिनों में रूस द्वारा नष्ट किया गया इस प्रकार का ये तीसरा वाहन है। अधिकारियों ने कहा कि टैंक को T-72B3 के चालक दल ने एक ही बार में नष्ट कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन ने 460 सैनिकों के साथ ही एक अन्य टैंक, पैदल सेना से लड़ने वाले 4 वाहन, 2 बख्तरबंद और 5 सामान्य वाहन और एक मोबाइल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी खो दिया है। रूस द्वारा अमेरिका निर्मित टैंक पर हमले का फुटेज भी शेयर किया गया है। डोनबास मोर्चे पर अब्राम्स टैंक को पहली बार फरवरी के अंत में देखा गया था। इससे कुछ महीने पहले अमेरिकी अधिकारियों ने अक्टूबर में कहा था कि 2023 की शुरुआत में यूक्रेन को दिए गए सभी 31 टैंक देश में आ गए हैं। अवदीपका के पास पहला अब्राम्स टैंक देखे जाने के तुरंत बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनमें से 2 को 2 अलग अलग मुठभेड़ों में नष्ट कर दिया गया था। कहा गया कि पहले को कामिकेज ड्रोन और एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर द्वारा मार गिराया गया था और दूसरे को नष्ट करने के लिए पहले उसे एंटी टैंक प्रोजेक्टाइल द्वारा स्थिर किया गया और फिर एक सैन्य टुकड़ी द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस बीच रूसी राष्ट्रपति कार्यालय यानी क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बुधवार को आरोप लगाया अमेरिका निर्मित टैंकों के साथ अपनी टेरिटरी में घूमकर रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल कुछ समय तक ही चलेगा और जल्द ही वे टैंक भी जल जाएंगे। पेस्कोव ने ये भी कहा कि उन्हें यकीन है कि अगर यूक्रेन को अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान मिलते हैं जो कि इस साल के अंत तक आ सकते हैं तो उन्हें भी रूसी सेना नष्ट कर देगी। हालांकि यूक्रेन को इस समय अमेरिकी मदद की सख्त जरूरत है, लेकिन अमेरिका के रिपब्लिकन सांसदों के विरोध के चलते यूक्रेन को मिलने वाला फंड रुका हुआ है। इस फंड के रुकने से यूक्रेन की हालत लगातार कमजोर हो रही है और वो बैकफुट पर है।